चलाएगा स्कूटी चलाएगा तू क्या है यार? मार क्यों रहा है? दिमाग खराब क्यों कर रहा है? मार क्यों रहा फिर? हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइज दिन के 11 बज रहे हैं और मैं अच्छे से नहा धो के रेडी हो गया हूँ अभी, क्योंकि मम्मी और अम्मा को लेके जाना है हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो जल्दी चलते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। आज भी उठने में लेट हो गया, बिकॉज सुबह 4-5 बजे तो मैं सोया था एडिट करके। तो हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। कड़ी तो आज खाने बने मस्त कड़ी चावल विद सब्जी, खाते हैं और फिर चलते हैं। खाना हो चुका है, अब फिलहाल चाय पीते हैं और फिर चलते हैं मम्मी जी को लेके। चलो मम्मी सर बाल निकालती रहती मेरे कपड़ों से और के। तो पीयूष का हाथ कट चुका है तो अम्मा उसको लगा रही है अभी दवाई। कल कटा था, मैंने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन जैसे उतारा था कि ड्रोन ऐसे पकड़ने लगा उछल उछल के और हाथ कट गया इसका। आज के बाद नहीं पकड़ेगा ड्रोन को। अब फिलहाल पट्टी वट्टी कर रही है, मेन उंगली के बिल्कुल ऊपर लगा है और यहाँ बैठा है और ऊपर मस्टिडिया को देख रहा है। तो अभी पीयूष का ट्रीटमेंट चल रहा है, पापा जी कर रहे हैं। सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बचे बस। मम्मी पापा अम्मा बाबू साहिल पीयूष सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस बस मैं बचा हूँ। इस कमरे में दिखना चाहिए। क्यों? पढ़ाई कर ले, एग्जाम है तेरा। पढ़ाई कर लियो चुपचाप। मम्मी अम्मा और साहिल जा रहे साथ में, साहिल का भी ट्रीटमेंट कराना ना। कोई फर्क लग रहा है? कोई फर्क लग रहा है? कल इतनी दर्द हो गई जब एक गोली ली, दर्द की फिर जाके रात को सोई। कोई नहीं, टाइम लगेगा, अभी तो आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है मम्मी का। मम्मी का अभी तक तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। अम्मा आपको कोई फर्क लग रहा है? कल तो नहीं हुई, सिर दर्द नहीं हुई? चलो बढ़िया, नहीं होनी चाहिए, हो गई थी थोड़ी। कोई बात नहीं, हो जाओगे आप भी ठीक, हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। चलो फिलहाल पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर। पहले मम्मी का होगा, फिर अम्मा का, फिर साहिल का। मैं इतने बाहर जाता हूँ। तो अभी गाइस मम्मी और अम्मा का तो हो गया, अभी साहिल के अंदर, उसके बाद फिर चलते हैं। तो अभी गाइस सबका ट्रीटमेंट हो चुका है, मम्मी अम्मा एंड साहिल का भी। साहिल को प्रॉब्लम है, साहिल को बोला है कि तुझे स्टंट नहीं करने, तो साहिल के स्टंट करने बिल्कुल बंद। इसको अपनी गर्दन ज़्यादा हिलानी भी नहीं है, इसी गर्दन में बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी है। सीरियस कहते 4 महीने लग जाएंगे ठीक होने में, तो इसको स्टंट होने नहीं, भाई स्टंट मत करियो, उन्होंने बोला है तेरे को। इसको 4 साल से है ये और अब जाके दिखा रहा है डॉक्टर को। तो फिलहाल गाइस जा रहे दूसरे हॉस्पिटल अम्मा को लेके, अम्मा के दांत में प्रॉब्लम थी तो अब डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। तो अम्मा की दांत की दवाई भी हम ले आए हैं। साहिल उतर के उधर चला गया, पता नहीं कहाँ गया वो, समोसे लेने। तो मेरे को सामने समोसे दिखे तो मेरा मन कर गया उनको खाने का, मैं कहा साहिल लिया यार, तो साहिल गया भी समोसे लेने के लिए। साहिल ने 3 लिए हैं, 3। नाच क्यों रहा है? समोसे ओलू। पढ़ाई की? हाँ। पक्का? देखो हम घर आए, यहाँ पे देखो दादाजी खुद आज चाय बना रहे अपने लिए। तो मैं आपके घर आ रहा हूँ फिर। आ जाओ आ जाओ। ओके ओके सर भाई। तो अभी गेमर फ्लिट भैया आ रहे हैं, उनका कोई इंटरव्यू था और यही पास में है, तो उनको देना है, तो मेरे घर से इंटरव्यू दे रहे हैं। यार ये घर में लाने के बाद कितना अजीब लग रहा है, देखो छोले समोसे। वैसे खाने में तो वही मजा आता, गरम गरम पैक करा के अजीब सा हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, खा तो लेंगे भाई। यार आप रुके नहीं, क्या हाल चाल? चलो 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 इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। ये देखो दोनों के दोनों लगे हुए हैं आइसक्रीम खाने में। मैंने लिटरली गाई सिर्फ एक बार खाई थी और अब दिखाता हूँ डब्बे का क्या हाल हो गया। डब्बे में आइसक्रीम थोड़ी सी बची, बिल्कुल थोड़ी सी, मैंने सिर्फ एक ही बार खाई थी, देखना इतनी सी बची हुई है बस भाई, सब खत्म करी दो उन्होंने मिलके। अब क्यों खाएगी? बस 2 दिन और। दिक्कत ये है कि मैं आइसक्रीम को छुपा नहीं सकता, इसको फ्रीजर में ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको अपने रूम में रखूंगा पिघल जाएगी, फ्रीजर में पड़ जाते तो कभी भी निकाल के खा लेते। साहिल तो रात रात को, साहिल रात को 1-2 बजे निकाल के खाते हैं। जी भर के आइसक्रीम खाता हूँ अब मैं, सारी आइसक्रीम खत्म करी दो उन्होंने मिलके। लो यार अभी खाओगे तो ठीक है। देख लो इतनी आइसक्रीम खा दी कि मन भर गया इसका, मैं भी खाऊंगा पूरी मन भर के, जितनी खाई जाएगी भाई इतनी तो खाऊंगा मैं, तू देखता रह। ओरियो को भी टेस्ट करा, तो चक्की बताओ कैसी है। नहीं आइसक्रीम ना दी, कैसे खड़ा हुआ देखना। तो भी मैं तो आइसक्रीम खा रहा था, मम्मी गरम गरम चाय भी ले आई। ये क्या है, आइसक्रीम में भात है? आइसक्रीम है, चावल थोड़ी ना। कितनी खा ली उन्होंने, अभी कह रहे मोटा पा भी खा ली। इतना तो तू चावल भी नहीं खाता है रे। सारी बड़ी मम्मी ने खाई है, रात के 2 बजे फुल खाई है भाई, निकाल निकाल। मम्मी आप पे इल्जाम लगा रहे, देख लो दोनों के दोनों खाई, दोनों ने इल्जाम मम्मी पे लगा रहे दोनों के। और ये नमस्ते कर दे, और नमस्ते नमस्ते। ओहो बाबा जी न्यू स्कूटी, वाह स्कूटी ले आए, चाबी नहीं लाए। तो बाबा जी तो अपनी मस्त स्कूटी ले गए और मस्त सीख रहे हैं, देखो भाई क्या मस्त चला रहे हैं बाबा जी आज तो, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया है। पहले दिन जब चला रहे थे ना तब तो बहुत डर डर के चला रहे थे, लेकिन अब देखो काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला रहे हैं मस्त। दो दो माता की चुनरी यहाँ पे बांध ली बाबा जी ने, 1-2। तो चलानी आ गई अब थोड़ी थोड़ी। सोसाइटी से बाहर तो नहीं ले जा रहे ना अभी? नहीं अभी कहाँ। तो मैंने बाबा जी को बोला कि सोसाइटी के अंदर चलाओ, जितना सीखना है सीखो, सोसाइटी से बाहर अभी मत ले आना, बिकॉज जब तक परफेक्ट चलानी नहीं आती तो सोसाइटी से बाहर ले जाना ठीक नहीं, बिकॉज मेन रोड है ना वो, तो वहाँ पर डेंजरस रहता है। वैसे तुम्हारे पास गाड़ी है, कहीं भी जाना तो गाड़ी में जाएंगे, बट फिर भी छोटे मोटे काम के लिए पापा जी ले आ सकते हैं, लेकिन जब अच्छे से चलाने आ जाएगी तब। तो अब स्कूटी सीख रहे हैं, इसके बाद फिर बाइक भी सिखा देंगे, फिर गाड़ी भी सिखाएंगे। तो चलो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पापा जी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पापा जी सीख रहे हैं।
सोसाइटी के अंदर ही अच्छे लोगों का सपोर्ट है, ऐसे ही सपोर्ट दो। तो अभी गाइस साहिल और मम्मी भी आ चुके हैं। मम्मी जी पापा जी के साथ बैठोगे? गिर जाओगी तो नहीं गिरोगे? चलो देखते हैं, पापा जी मम्मी जी को बिठाएंगे और चला पाते हैं नहीं चला पाते। छोरा आप रोटी पर रोटी के लिए रह जाओगे अगर गिर गए? नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, अरे नहीं गिरोगे। तमन्ना पूरी होने वाली है आज। डरना मत, डरना मत, कोई भी बैठ यार, हवा बना दी हवा। पापा जी ने अभी चलानी सीखी है, अरे मम्मी को बिठा भी लिया। फाइनली पापा जी मम्मी को ले गए। ध्यान से हाँ भाई, भाई मजा आ गया देख के। मम्मी पीछे बैठी है और मम्मी के जो फेस पे स्माइल है ना, वो देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। आज मम्मी की एक बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। कभी अभी सपने में सोचा था बैठूंगा, आज बैठ गई, दिखा दिया। बहुत मजा आया, तुम्हारे साथ बैठ के जाऊंगी घर के। आज जैसे भी सोसाइटी में बैठी तो है। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा जी चला रहे हैं और मम्मी बैठी है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, क्योंकि साइकिल में तो बैठ नहीं सकती मम्मी। गिराना मत। It's time we make a change. Boy, you know you'll always have me. Baby, I will always stay. भाई गिरेगा ना जब, तब चलेगा पता। मम्मी देखो पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पे। तो अभी गाइस पीयूष जिद कर रहा था कि मेरे को भी चलानी है, मेरे को भी चलानी है। तो हमने उसको बोला कि नहीं, तो भी 18 साल का नहीं है, तो पीयूष को नहीं दे रहे हम बिल्कुल भी, और देंगे भी नहीं। और इसी बात पे वो रूट के भाग गया। चलाएगा स्कूटी? चलाएगा तू? क्या है यार, मार क्यों रहा है? दिमाग खराब क्यों कर रहा है? मार क्यों रहा है फिर? तो नहीं चलाएगा भाई, क्यों चलाएगा? क्यों बुला रहे हो चलाने के लिए? देखना मुंह, देखना इसका मुंह, देखना। कैमरे मारेगा, कैमरे मारेगा। तो फिलहाल थार लेके चलते हैं। तो भी गाइस हम आए हैं निर्मल भैया के पास में, कुछ काम था यहीं पे, कुछ खाने पीने जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम यहां पर आए हैं मोमोज खाने के लिए। मस्त है। तो अभी गाइस यहां पे खा रहे हैं गोलगप्पे मस्त। ये क्या जेब में भर के ले जाओगे? ये तो खतरनाक वाली मिर्च लग गई, इसकी आंखों से आंसू आ गए। कल सुबह अब आग के गोले निकलेंगे। गोलगप्पे तो काफी थीके थे। कितने पैसे हो गए? 35 हो गए। 35। तो गाइस इन्होंने यहां पे बर्गर ऑर्डर कर लिया मस्त। तो ये तीनों बर्गर खा रहे हैं, इनको देख के मेरा मन कर रहा है, पीछे एक चक्का खिला दे, एक चक्का। देखो इन्होंने मोमोज खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, टिक्की खा लिए, बर्गर खा लिए। वैसे स्प्रिंग रोल भी बना देना, एक स्प्रिंग रोल बना देना। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक एक मंगा रहे हैं, सिर्फ एक एक, एक में से ही चारों खा रहे हैं, निर्मल भैया, मैं, साहिल एंड पीयूष। तो एक एक में से थोड़ा थोड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा चख रहे हैं तो सही रह रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें खा पा रहे हैं। स्प्रिंग रोल। तो चलो गाइस अब स्प्रिंग रोल भी ट्राई करते हैं यहाँ के। मस्त है भाई, मस्त है। तो ये देखो काफ़ी सब्सक्राइबर्स आ गए यहाँ पे। अब घर जाके भैया, तो भी गाइस खा के घर तो आ गए। और ये देखो ये ऊपर से चढ़ रहा है। अच्छा अंदर से बंद है? क्यों बंद करते हो यार? ओ अम्मा, क्या कर रहे हो? डिनर कर रहे हो? तो अम्मा यहाँ पे डिनर कर रही है मस्त। भूख तो मेरे को भी लग रही है, इतना कुछ खा के आए हैं बट फिर भी भूख लग रही है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा खाया था ना चार जने से। तो मेरा डिनर भी आ चुका है यहाँ पे, दाल रोटी। तो अम्मा बाबू के साथ में बैठ के यहीं पे खाते हैं। तो मम्मी जी सबसे पहले अम्मा बाबू को खिला देती हैं, उसके बाद फिर मम्मी और पापा खाते हैं, और हम तो कभी भी खा लेते हैं। आजकल ठंड हो रही है ना, इसलिए नीचे बैठ के कोई नहीं खा रहा, नहीं तो हम नीचे बैठ के सब मिल के खाते थे। तो अब सबको अलग अलग खाना पड़ रहा है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तो खाना पसंद ही नहीं है हमको। मैं अपने रूम में खा लेता हूँ कई बार यहाँ पे बैठ, लेकिन अम्मा बाबू तो रोज यहीं खाते हैं बैठ के मस्त। तो अभी गाइस डिनर वगैरह हो गया, अब बस एक संतरा खाएंगे, और मम्मी पापा यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। अब चलते हैं, एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, और यू अपना खाना खा रहे हैं यहाँ पे मस्त। एडिटिंग कम्प्लीट करके मिलता हूँ आपसे। तो अभी गाइस रात के 12 बज चुके हैं और अब मुझे आ रही नींद। एडिटिंग मैंने कर लिया, आज मैंने डेढ़ ब्लॉग एडिट किया है, एक पुराना वाला और एक आज वाला। तो मैं एक दिन आगे चल रहा हूँ, मतलब आज का ब्लॉग परसों आएगा। तो हाँ इस तरह से ठीक भी, अगर मुझे सिर्फ नींद भी आ रही है तो मैं सो सकता हूँ। तो हाँ मतलब एडिटिंग का प्रेशर नहीं होगा, एडिटिंग में दिन में भी करूँगा तो रात को मैं सो सकता हूँ। तो हाँ ये सही है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये देखो पानी कैसे पी रहे हैं, गिरा गिरा के मेरे ऊपर। वाह, आपके पास ग्लास नहीं है क्या? Drive someplace far.